गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा है, कैसे रोका जाए उसे। मैं हिंदू हूँ, गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर। इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ और प्राण ले भी सकता हूँ। कोर्ट से पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। मुसलमान हमारे भाई है, वो तुम्हारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। अगर इस आग को मेरे खून से ही बुझना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब गांधी को मरना होगा। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये उस फिल्म का मोशन पोस्टर है, आजकल ये नया वर्ड आ गया है ट्रेलर के लिए, मोशन पोस्टर है, जो इस साल 26 जनवरी को सिनेमा के पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। लेखक असगर वजाहत के नाटक गोडसे एट गांधी.com पर बनी ये फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध रिलीज होने से पहले ही चर्चा में आ गई है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई फिल्म आज के इस माहौल में गांधी गोडसे के नाम से आएगी तो तुरंत उस पर चर्चा होगी। गांधी के समर्थक ये कह रहे हैं कि इसमें गांधी को कमजोर दिखाया गया है, और गोडसे के समर्थक ये कह रहे हैं कि इसमें गोडसे के तर्कों को कमजोर तरीके से पेश किया गया है। यानी कि पहले दिन से ही, फिल्म आने से पहले ही, आप देखिए एकदम बाइनरीज में बट गया। इस फिल्म को बनाया है जाने माने फिल्मकार राजकुमार संतोषी ने। इससे पहले आप जानते हैं उन्होंने क्या क्या फिल्में बनाई हैं। एक तो बड़ी लोकप्रिय फिल्म थी अंदाज अपना अपना, दामिनी, फटा पोस्टर निकला, हीरो, ये सब शानदार फिल्में उन्होंने बनाई। इस फिल्म की कहानी काल्पनिक है, जिसमें गांधी की हत्या की कोशिश नाकाम हो जाती है और वो बिहार के किसी इलाके में जाकर लोकतंत्र के प्रयोग करते हैं, जबकि नाथुराम गोडसे को भी हत्या की कोशिश में फांसी नहीं होती और जेल में वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। गांधी जी के प्रयोग से नेहरू और पटेल परेशान हो जाते हैं और वो गांधी जी को गिरफ्तार करवा लेते हैं। गांधी जी कहते हैं कि उन्हें उसी जेल में रखा जाए जिस बैरक में नाथुराम गोडसे हैं। गांधी को वहीं भेज दिया जाता है और इसके बाद दोनों के बीच संवाद होता है, जो कि आप इस फिल्म में देख सकते हैं। है ना रोचक कहानी। दरअसल ये प्ले के आधार पर, प्ले की तरह तमाम बार थिएटर्स में इसको दिखाया जा चुका है। फिल्मकार राजकुमार संतोषी कहते हैं कि उन्होंने संवादों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। उनका दावा है कि फिल्म का हर सीन, हर लाइन, हर डायलॉग इतिहास से है, हालांकि उसमें सिनेमाई आजादी जरूर ली गई। गोडसे के डायलॉग वही रखे गए हैं जो तर्क उन्होंने अदालत में दिए थे। गांधी के विचार भी वही रखे गए हैं जैसे वो थे। राजकुमार संतोषी के मुताबिक इस फिल्म की कोशिश यह है कि युवा गांधी और गोडसे के बारे में आलोचना या तारीफ से पहले उसके बारे में ज्यादा जानकारी देती है। 9 साल बाद राजकुमार संतोषी अपनी ये नई पेशकश लेकर आ रहे हैं, जिसमें संगीत दिया है ग्रैमी अवार्ड विजेता मशहूर संगीतकार AR रहमान। लेखक असगर वजाहत और फिल्मकार राजकुमार संतोषी ने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है। फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका अदा की है दीपक अंथानी ने, जो मंच और पर्दे पर 100 से ज्यादा बार गांधी या उनसे जुड़े हुए किरदार निभा चुके हैं। नाथुराम गोडसे का किरदार निभाया है चिन्मय मांडलेकर ने, जिन्होंने द कश्मीर फाइल फिल्म्स में यासीन मलिक का किरदार भी निभाया है। फिल्म को लेकर विवाद पहले ही शुरू हो चुका है और कई राजनीतिक दलों ने इस पर पाबंदी की मांग भी कर दी है। अपनी इस फिल्म को लेकर आइए पहले सुनते हैं कि राजकुमार संतोषी, जो कि डायरेक्टर हैं, फिल्मकार हैं, उनका क्या मत। मेरे साथ असगर वजाहत साहब राइटर, जिन्होंने प्ले लिखी थी, वो साथ में थे, तो हम दोनों एक दूसरे को चेक करते थे। अगर ऐसा लग रहा है असगर साहब को, नहीं मेरे जो है झुकाव जो है गोडसे की तरफ जा रहा है, तो मुझे टोक देते थे। उसी तरह का मुझे ऐसा लगे कि नहीं असगर साहब, आप जरा गांधी जी का पक्ष ज़्यादा ले रहे हैं, तो मैं उनको टोक देता था। तो दोनों एक दूसरे को चेकमेट करते हुए, चेक करते हुए ये स्क्रीन प्ले जब मैं लिख रहा था, तो मैंने उनको साथ पे रखा। जो फिल्म एक बार सेंसर हो जाती है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे कानून की हम रिस्पेक्ट करते हैं। अदालत में जब एक फैसला हो जाए, तो अगर अपील भी करना है तो हायर कोर्ट में जाते हैं, लेकिन सड़क पर उतर के अगर हमने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, ये गलत बात है। अभी मैंने सुना कि भोपाल में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट की है,
कि बोलते हैं कि गांधी जी के बारे में गलत दिखाया है, वो गांधी जी को फॉलो करने वाले लोग हैं, गांधी जी को आदर्श मानते हैं, वो लोग जमीन पे उतर आए, रोड पे उतर आए, आग वाग लगा दिया, पुतले को जला दिया और धमकी दिया है थिएटर को आग लगा देंगे। इससे साफ पता चलता है कि वो गांधी जी को जानते नहीं है। कुछ लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद भी अगर फिर रिवाइज करने के लिए बुला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जो भी आपने डिसीजन दे दिया भैया, इसका मतलब यह है कि आपके हाथ में कोई पावर नहीं है, आपका नॉलेज, आपको श्योर नहीं है आप कि लोग फैसला करेंगे, लोग डिसाइड करेंगे। तो कल तो कानून के साथ भी होगा, अगर कानून किसी को मुजरिम करार देती है, लोग बोलते नहीं मुजरिम नहीं है, प्रोटेस्ट किया, जज ने बोला बाबा दोबारा लाओ भाई केस, फिर मैं देखता हूँ, हाँ अभी ये जो है कसूरवार है, ये तरीका नहीं है। तो ये आपने राजकुमार संतोषी जी को सुना, जो कि फिल्मकार हैं, जो कि डायरेक्टर हैं। उनका ये कहना है कि अब ये बार बार का जो विरोध प्रदर्शन है ना, कि एक बार फिल्म सेंसर बोर्ड से निकल जाए, उसके बाद आप फिर विरोध कर दें, फिर सेंसर बोर्ड उसको दोबारा देखने लगे, ये तरीका सही नहीं। तो इस हिसाब से तो फिर लोग फिल्में ही नहीं बना पाएंगे, जब देखो जिसको देखो वो आपत्ति करता रहेगा। जैसे कि हमने कहा कि आहत मंत्रालय जो है, आपत्ति विभाग, वो तो यहाँ पर है ही इस देश में, अलग अलग राज्यों में। आइए अब अजगर वजाहत, जो जिन्होंने ये लिखा है, ये प्ले जिन्होंने ओरिजिनली लिखा था, वो भी हमारे साथ हैं। अजगर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस फिल्म को आप किस तरीके से देखते हैं। ये गोडसे एट गांधी डॉट कॉम से लिया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फिल्म को लेकर जो कई सवाल उठाए जा रहे हैं, इन पर आपका क्या कहना? देखिए, इस तरह का जो अनुमान लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म किसी विवाद को जन्म दे रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो फिल्म के निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी, वो भी लगातार मीडिया से ये बात कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे नाटक पर आधारित है फिल्म, और ये नाटक पिछले 10 साल से लगातार हो रहा है। ये हिंदी में इसको सबसे पहले टॉम ऑल्टर ने किया था, उसके बाद जो है अरविंद गौड़ इसको करते हैं दिल्ली में, ये कन्नड़ में भी होता है, ये गुजराती में होता है। तो कोई इस प्रकार का कोई विवाद जैसा कि फैलाया जा रहा है, इस नाटक को लेकर के नहीं हुआ, और ये फिल्म जो है वो नाटक पर ही केंद्रित है। नाटक का जो मूल विषय है, उसी मूल विषय के ऊपर फिल्म आधारित है, और बड़े दुख की बात है कि बिना देखे हुए लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। अब इसका तो तर्क ये भी लगाया जा सकता है कि भाई नाटक उस तरीके से लोग नहीं देखते हैं, जैसे कि फिल्म जब आती है बड़े पर्दे पर, इसको बड़ा पर्दा कहा ही इसलिए जाता है, तो ज्यादा लोगों की नजर इस पर जाती है। लेकिन जैसे कि आप ये कह रहे थे नाटक पर ये आधारित है, आप क्या बता सकते हैं कि इस फिल्म की थीम क्या है? ये एक आभासी इतिहास, वर्चुअल हिस्ट्री, काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री के आधार पर इस विषय पर काम किया गया है, नाटक में भी और फिल्म में भी। और इसका आधार यही है कि गांधी जी को जब गोली मारी जाती है तो वो बच जाते हैं, उसके बाद नाटक, उसके बाद फिल्म भी शुरू होती है, और जाहिर है कि नाटक भी उसी के बाद शुरू हुआ था। ये दरअसल इसका बल है, ये जोर देती है कहानी या फिल्म के संवाद की आवश्यकता है, संवाद होना चाहिए, और संवाद जो है वही समस्याओं का समाधान करता है। अगर संवाद नहीं हो रहा है, संवादहीनता है, तो वो स्थिति जो है वो समाज के लिए और देश के लिए उचित नहीं है। इस कहानी में, इस फिल्म में किसी को डाउन प्ले नहीं किया गया है, किसी को खलनायक नहीं बनाया गया है, सब ने जो जो जिनका जिनका जो जो काम है, जो जो किया उन्होंने, वो सामने आता है, और उसके बाद वो एक आभासी इतिहास के माध्यम से उसको आगे बढ़ाया गया है। तो ये फिल्म जो है वो किसी प्रकार का ऐसा विवाद जो है वो नहीं पैदा करती जिसके लिए लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसकी संभावना बताई जा रही है, वो ऐसा आधारहीन है, उसका कोई आधार है नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद असगर वजाहत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आपको एक बातचीत सुनाते हैं तुषार गांधी जी से। आप महात्मा गांधी के प्रपौत्र हैं, और तुषार जी के भी मन में कुछ डाउट है इस फिल्म को लेकर के। तुषार जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि
फिल्म में गोडसे को एक आपको क्यों लगता है कि पीड़ित के तौर पर दिखाया गया है? हाँ, तो उसमें मैंने सिर्फ ये कहा है कि राजकुमार संतोषी साहब ने पहले भी बापू का किरदार बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया था, उनकी जो शहीद भगत सिंह फिल्म थी उसमें, तो इसलिए ताज्जुब की बात नहीं है कि उनको गोडसे की तरफदारी करती हुई फिल्म बनाने की जरूरत लगी। ये उनकी मान्यता है, अगर उनको किसी खूनी को आदर्श बनाना है तो ये उनकी चॉइस है, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर हम लोग खूनी संस्कृति का समर्थन करने वाले लोग कहलाने लगेंगे तो क्या ये हमारे लिए अच्छा रहेगा? अच्छा, अभी हमारी तुषार साहब वजाहत जी से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि इस फिल्म में ऐसा कुछ तो है नहीं जिसका विरोध होना चाहिए, ये तो एक प्ले पर आधारित है और प्ले तो सदियों से चला आ रहा है। उनके मुताबिक फिल्म में ये बताया गया है कि कैसे आपसी संवाद के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्या कहना है इसमें? संवाद की बात हो सकती है, मैं जरा भी मना नहीं करता और मैं कभी भी किसी चीज के ऊपर प्रतिबंध लगाने का हिमायती नहीं हूं। मैं जो वाणी स्वतंत्र है, अपनी अभिव्यक्ति का स्वतंत्र है, उसका बहुत सम्मान करता हूं और उसमें कोई भी रुकावट लाने की कोशिश की जाए तो मैं उसका विरोध करता हूं। इसलिए मैं मुझे कोई हर्ज नहीं है कि कोई अगर गोडसे की तरफदारी करती हुई फिल्म बनाए, वो उनको अधिकार है। वो सिर्फ मैं इतना ही कहता हूं कि जैसे गोडसे की बाजू वो लोग रखते हैं, वैसे ही जो सत्य है उसको भी सुनने की शक्ति उन्होंने रखनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि ना बनती तो अच्छी होती, जिसको बनाना है वो बनाए, लेकिन उसको जिस आशय से बनाते हैं वो कहने में झिझक ना करे, वो ये संतुलन वाली बातें अच्छा। ना करे तो अच्छा है, क्योंकि जब आप हत्यारे को जिसकी हत्या हुई है उसके साथ दिखाने की कोशिश करते हो तो आप तुलना कर ही देते हो, और वो तुलना जब होती है तो फिर आपकी जो वृत्ति है उसका एक अनुमान करना बहुत आसान हो जाता है। तो शाह जी देखिए, 26 जनवरी को फिल्म रिलीज हो रही है, फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है और जो चीज रिलीज हुई है वो है इसका प्रोमो और पोस्टर। तो क्या ये सही है तुषार जी कि एक प्रोमो और पोस्टर के आधार पर इस तरीके का आकलन कर लिया जाए या सवाल उठाया जाए कि ये सही नहीं है या सही है? फिल्म तो देख लीजिए। मैंने मुझे किसी ने भेजा था प्रोमो, मैंने जो देखा उसमें मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे गोडसे को किसी न किसी तरीके से समर्थन प्राप्त होता हो, गोडसे एक विक्टिम के रूप में दिखाया जा रहा हो, ऐसा अनुमान लगता है उनके प्रोमोज पर से, जबकि विक्टिम बापू थे जिनकी जान गोडसे ने दी। अगर आप मर्डरर को विक्टिम के रूप में दिखाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, पर आपका भी मानना है कि आपने, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है ना, यू जज्ड अ बुक बाय इट्स कवर। प्रोमो ही अभी आया है तो वो देख करके ये आकलन आपने किया है, लेकिन फिल्म अभी आनी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस पूरे विवाद पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रियदर्शन की ये टिप्पणी आप जरूर सुनिए, क्योंकि वो कई बार ये नाटक देख चुके हैं। जिस नाटक पर ये फिल्म आधारित है उसका प्लॉट क्या है वो जानना जरूरी है। देखिए, असगर वजाहत साहब की जिस फिल्म की चर्चा हो रही है वो दरअसल उनके मूल नाटक पे आधारित है जिसका नाम था gandhi@godse.com। वो नाम अभी भी उस नाटक का है, फिल्म का नाम बदल गया है, और मैं खुशकिस्मत हूं कि इसके दो प्रोडक्शन मैंने देखे, एक दिल्ली में टॉम अल्टर ने किया था और दूसरा अजमेर में एक टीम ने किया था। लेकिन जो सबसे खास बात है इस नाटक की और जो असगर वजाहत साहब के पूरे लेखन की है कि वो एक तरह की सहिष्णुता का दामन कभी नहीं छोड़ते हैं। गोडसे कुछ कहे उसकी बात हम कुछ सुने, ये भी भारत का एक तबका स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। एक तरफ गोडसे को पूजने की कोशिश चल रही है, दूसरी तरफ उसकी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। बहुत साल पहले एक नाटक आया था मी गोडसे बोलतो है, उसका भी ऐसे ही विरोध हुआ था। तो ये विरोध मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे तबकों से, अलग अलग हलकों से इस फिल्म का भी हो रहा है। लेकिन सच्चाई है कि वो कहानी बड़ी दिलचस्प है और उसमें एक तरह की फैंटेसी है
असगर साहब कल्पना करते हैं कि गांधी जी गोली लगने के बाद भी बच गए थे और नाथुराम गोडसे को उनके आग्रह पे फांसी नहीं हुई थी, उम्र कैद हुई थी। और गांधी अपना प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह के ग्राम स्वराज्य का सपना उन्होंने देखा था उसका बिहार के एक इलाके में, और वहां उनके प्रयोग, उनके चुनाव, सब कुछ उनका चल रहा है। और उससे नेहरू पटेल की सरकार इतनी परेशान होती है कि उनको वहां से गिरफ्तार करवा लेती है। गिरफ्तार कराने की नौबत आती है, फिर गांधी एक नई जिद पकड़ते हैं कि वो जेल में उसी बैरक में रहेंगे जिसमें गोडसे है, और गोडसे से लगातार वो संवाद करने की कोशिश करते हैं। गोडसे बचता जाता है, धीरे धीरे खुलता है। गांधी उससे पूछते हैं कि तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है। गोडसे बोलता है गीता। गांधी कहते हैं कि मेरी भी पसंदीदा किताब गीता है। देखो एक किताब ने तुम्हें कहां पहुंचाया, मुझे कहां पहुंचा दिया। तो ये पूरा नाटक जो है एक तरह से इस बात पे कि हम अंततः अपने जीवन के लिए चुनते क्या हैं, कौन सा रास्ता लेते हैं और किससे कहां तक पहुंचते हैं। गांधी का जीवन, जो गांधी कहते थे कि अपने आप में एक संदेश है, और दुर्भाग्य से गोडसे का जीवन भी दूसरी तरह का संदेश है, जिसके बीच असगर वजाहत चलते हुए आज के भारत के लिए एक बड़ा संदेश देते हैं, जो उसके पहले उनके दूसरे नाटकों में भी, जिनमें खासतौर पे जित लाहौर नहीं व्याख्या में जन्मया नहीं, वो जन्मया नहीं, और दूसरा महाबली जिसमें अकबर और तुलसीदास की वो चर्चा करते हैं, बताते हैं कि कैसे तुलसीदास ने अकबर के सामने झुकने से, उनके दरबार का नवरत्न होने से मना किया था, क्योंकि उनको मालूम था कि वो हर काल के लिए हैं। आज जब मानस पे भी बहस चल रही है, आज जब गांधी और गोडसे की फिल्म पे भी बहस चल रही है, तब हमें असगर साहब का पक्ष भूलना नहीं चाहिए कि अंततः हम सबको अपने विचार, अपने अनुभव से चुनने की आजादी है, और हम उसके साथ मनुष्यता की जो राह है उसी का अनुसरण करें। तो आहत मंत्रालय में बहुत सारे नए लोग शामिल, गांधी समर्थक कुछ नाराज, गोडसे समर्थक जो उनके विचार में विश्वास रखते हैं वो नाराज, फिल्मकार कह रहा है कि मैं सेंसर बोर्ड से नाराज कि आप हर समय जो है वो अपना डिसीजन बदलने के बारे में मत सोचा कीजिए, सब नाराज है। बहरहाल 26 जनवरी को जब फिल्म रिलीज होगी तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि देख लेंगे तो हो सकता है नाराजगी कुछ दूर। आइए अब रुख करते हैं दूसरी खबर का। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से और उसके आसपास एक बड़ा कॉरिडोर यानी कि गलियारा बनाने जा रही है। लेकिन यह काम शुरू होने से पहले ही इसका तीखा विरोध शुरू हो गया है। कॉरिडोर बनाने के लिए करीब 300 रिहायशी मकानों, अन्य भवनों और मंदिरों को गिराना होगा, तभी तो कॉरिडोर बनेगा। स्थानीय लोग पीढ़ियों से इन घरों में रह रहे हैं, लिहाजा कॉरिडोर के विरोध में खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी असर पड़ेगा। कितनी तकलीफ आपको जब आपने सुना कि सब टूटेगा, सब इतनी तकलीफ है मेरे कि मुझे तो मार दो, हम मर जाएंगे, हम अपने बच्चों को भी ले लेंगे बुलडोजर के आगे बैठा देंगे, हम खुद बैठेंगे बुलडोजर के आगे, लेकिन हम वृंदावन में बुलडोजर नहीं आने देंगे। ये बंद दुकानें और सुनसान गलियां वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के हैं। यहाँ के पुजारी, पंडे, दुकानदार प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। यहाँ के पुजारियों और दुकानदारों ने अपने खून से खत लिखकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को कॉरिडोर ना बनाने की अपील की। बेनाका आंसू नहीं, दर्द के आंसू हैं, और इस दर्द के आंसू में ऊंचा वृंदावन एक मत है। हम पूरा विरोध करेंगे और नहीं बनने देगा। ये खून का लिखा हुआ ये पत्र है, अगर सरकार चाहती है तो ये देख ले, ये बिहारी जी के प्रांगण में ब्रिटिशियों के ब्लड से लिखा हुआ ये खून पत्र है, और इस पत्र को देख ले। 70 साल की बुजुर्ग शकुंतला देवी बांके बिहारी मंदिर के ठीक पीछे रहती है, हमें देखते ही हाथ जोड़कर रोने लगती है। कहती हैं कि कॉरिडोर की वजह से इनका घर टूटा तो बांके बिहारी से दूर हो जाएंगी, इसलिए पहले ही सरकार उन्हें जहर देकर मार दे। जीवन हमारा नहीं रहे, नहीं बड़े भाई, नहीं हम तन लोग, हमारा मरण नहीं है जा ठाकुर जी, तो हमें जी सरकार हमें दिन दे रही ना है, हमारे ऊपर वो चला दे भैया और हमारे जहर दे के हमें मार दे।
अब जब टूटेगी तो बेटा दुख ना होगो, हम तो यही में मरनो चाहें, बस हम कछू ना चाहें बेटा, हम कहाँ जाएंगे, हम तो गरीब हैं, हम तो मारे जाएंगे बेटा, हम पे कछू ना आए। तो मुआवजे का हम क्या करेंगे, हम का जमना जिम डूब के मरेंगे? हमने 15 साल में अपना घर बनाया, एक एक पाई जोड़ के नहीं अपना घर बनाया है, सरकार पैसा देगी, पैसा का हम क्या करेंगे, हमको जगह नहीं मिलेगी तो हम कहाँ रहेंगे? कि हम इतने 15 साल थे, हम 5 साल थे चौरे में पड़े थे, क्या सरकार ने हमको घर बना के दिया? हम भूखे सो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, भूखे उठ रहे हैं, क्या सरकार हमें देखने आई थी आज तक? बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को बनाने के लिए यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंदिर के आसपास 5 एकड़ की जमीन चिन्हित की है, जिसमें सब मिलाकर 300 से ज्यादा घर, मकान और कुछ मंदिर भी शामिल हैं, जिनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। सरकार का कहना है कि लोगों को घर और दुकानों का मुआवजा दे दिया जाएगा। सबसे ज्यादा विरोध करने वाले मंदिर के ही महंत और पुजारी हैं। ये गद्दी है, अब गद्दी को अपनी को छोड़ के कहाँ जाएंगे? आज 400-500 वर्ष से हम लोग रह रहे हैं यहाँ, उसका नाश किया जा रहा है, क्या मतलब है? ये विरोध प्रदर्शन देखते हुए मथुरा की सांसद हेमा मालिनी लोगों को समझाने वृंदावन पहुंची थी। हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉरिडोर बने तो वृंदावन एज इट इज रहे। मैं भी चाहती हूँ कि वो प्राचीन काल का जो स्वरूप है वृंदावन का, वो वैसे के वैसे रहे, उसके हिसाब से ही जो कॉरिडोर बनेगा वैसे बनेगा। वृंदावन कॉरिडोर के खिलाफ वृंदावन के पुजारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट 23 जनवरी को सुनवाई करेगा। ये बांके बिहारी मंदिर है वृंदावन का, और इसी मंदिर के दर्शनों में सुगमता हो, सरलता हो, इसके लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ के ब्रजवासी इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे तो पुराणों में कहा गया है कि जो श्री कृष्ण के सखा सखी, उनके ग्वाल बाल थे, वही हर जन्म में यहाँ पैदा होते हैं और ब्रज में उनका निवास रहता है, तो वही ब्रजवासी इसका विरोध कर रहे हैं। तो सरकार के सामने चुनौती है कि ब्रजवासियों को भी संतुष्ट करना है, कॉरिडोर भी बनाना है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि मुआवजे की बात नहीं है, बात उनकी आस्था की है, क्योंकि इन्हीं गलियों से, इन्हीं चबूतरों पर श्री कृष्ण कभी खेला करते थे, और पैसे मिले भी तो क्या मिले जब भगवान से ही दूर हो गए। सहयोगी जेवियर थॉमस और सौरभ गौतम के साथ वृंदावन से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। आइए अब रुक करते हैं एक दूसरी खबर का। कभी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शामिल रहे हैदराबाद के आखिरी निजाम मुकर्रम जाह का तुर्की में निधन हो गया। वो 89 साल के थे। उनका असली नाम नवाब मीर बरकत अली खान था। वो मुकर्रम जाह के नाम से जाने जाते थे। उनकी मां शहजादी दुर्रे शहवर तुर्की की उस्मानिया सल्तनत की शहजादी और आखिरी खालिदा अब्दुल माजिद सानी की बेटी थी। उनका पार्थिव शरीर आज शाम एक चार्टर्ड विमान से तुर्की के इस्तांबुल से हैदराबाद लाया गया। उनकी यही ख्वाहिश थी कि उन्हें हैदराबाद में ही सुपुर्दे खाक किया जाए, यानी कि जमीन में दफन किया जाए। बुधवार दोपहर उनका जनाजा हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद ले आया जाएगा, जहां मगरिब की नमाज के बाद उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। निजाम परिवार ने हैदराबाद पर 236 साल तक राज किया। हैदराबाद जूनागढ़ और कश्मीर के साथ उन 3 रियासतों में शामिल था जिन्होंने आजादी से पहले भारत में विलय नहीं किया, माने नहीं वो। तब देश के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन, ने यह कहा था कि एक आजाद हैदराबाद भारत के लिए कैंसर की तरह है। अगस्त 48 तक हैदराबाद के तब के निजाम मीर उस्मान अली विलय के दस्तावेजों पर दस्तखत करने से इनकार करते रहे। रजाकारों की एक फौज भी तैयार की। ऐसे में 13 दिसंबर को सरदार पटेल ने भारतीय सेना को हैदराबाद में उतार दिया, जिसके 4 दिन के अंदर हैदराबाद पर भारत सरकार का पूरा नियंत्रण हो गया। उस समय हैदराबाद रियासत की 40% जमीन सीधे निजाम के पास थी, या जिन्होंने जागीरों के तौर पर बांटी हुई। बाकी 60% जमीन के राजस्व से हैदराबाद को भारी आमदनी होती थी। हैदराबाद के आम लोग भारत में विलय के, जो भारत में जो विलय होना था, उसके पक्ष में थे, और अंततः हैदराबाद भारत का ही हो गया।
और आज भारत का अभिन्न अंग। हैदराबाद के 8वें निजाम आजादी के 20 साल बाद निजाम बने। हैदराबाद के निजाम की जब भी बात होती है तो उनकी दौलत का जिक्र जरूर होता है। बहुत रईस थे भाई। आइए एक नजर डाल लेते हैं इससे जुड़े हुए बहुत ही दिलचस्प पहलुओं पर। तो हैदराबाद के आखिरी निजाम का 6 अक्टूबर 1933 को फ्रांस में जन्म हुआ। कहां पैदा हुए वो? वो फ्रांस में पैदा हुए। 14 जनवरी को उनका तुर्की में निधन हो गया। तुर्की में उसका नाम अब तुर्की हो गया। 1967 हैदराबाद के 8वें निजाम बने थे मुकर्रम जाह शाह। सन 47 में निजाम दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते थे। 1947 सबसे अमीर। 47 में ही कुल संपत्ति, अब जरा ये कैमरा जरा पास आ जाए क्योंकि ये इतने जीरो हैं कि हमारी तो गिनती ही खो गई। आप धीरे धीरे ये कैमरा जो है ये आता जाएगा पास और आपको वो जीरो की संख्या दिखाएगा कि 1947 में सन 47 में ये जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे ये कितने रईस थे भाई। गिन पा रहे हैं आप जीरो नीचे जो लिखे हुए हैं? 17.47 लाख करोड़ रुपए आंकी गई थी। ये इनका नेटवर्थ था भाई। निजाम की जो संपत्ति थी उस समय अमेरिकी जीडीपी के 2% के बराबर थी। इतने रईस। निजाम की अपनी करेंसी थी, अपना टकसाल था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो बना हुआ है ऊपर ये उनकी करेंसी है भाई। 100 मिलियन पाउंड का सोना था, यानी करीब 10 अरब रुपए का सोना था उनके पास। 400 मिलियन पाउंड के जवाहरात थे, यानी करीब 40 अरब रुपए के हीरे जवाहरात। निजाम के पास डायमंड जेकब नाम का बेशकीमती हीरा भी था जिसकी कीमत 50 मिलियन पाउंड के करीब थी। ऑस्ट्रेलिया में इनके पास एक एस्टेट भी था, एस्टेट खरीदा। महंगी गाड़ियों का शौक था, ये चलाने के भी शौकीन थे। निजाम मुकर्रम जहा शाह ने 5 शादियां की थी। कहते हैं कि अय्याशी के कारण धीरे धीरे खजाना खाली होता हुआ चला गया। ये थी निजाम की कहानी। वो निजाम कुछ और था, अब निजाम कुछ और। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर पर और बात करते हैं हाथियों की। क्या है ये पूरा माजरा देखिए जरा। तो ये कहानी है हाथी और मधुमक्खी की लड़ाई की। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बचपन की कहानी है कि चींटी सूंड में घुस गई। तो ये बिल्कुल उसी तरीके की चीज है। इसको कहा जाता है बी फेंसिंग और आपको आगे चल के बताएंगे कि ये बी फेंसिंग क्या चीज है, कैसे हाथियों से बचने के लिए इंसान इस रणनीति को अपना रहा है। आए दिन हम देश के अलग अलग इलाकों में कुछ तस्वीरें देखते हैं जो अभी आपने देखी थी कि जंगलों के आसपास बसे जो गांव हैं और शहरों में कभी तेंदुए को या कभी हाथी से लोग लड़ते हैं और लोग मर जाते हैं। हाथी जब घुसते हैं तो अक्सर खेतों को भी नुकसान होता है, वहाँ नुकसान पहुंचाते हैं। दरअसल देखिए वो हाथियों के रहने की ही जगह थी, अब हम लोग घुस गए उसमें, असली बात तो ये। लेकिन जान माल का नुकसान इसमें बहुत होता है। कितना होता है आइए देखते हैं। 2014 और 15 से लेकर 2018 और 19 के आंकड़े हमारे पास हैं। आप ये देख लीजिए 2014 और 15 में 418 मौतें हुई हाथी की वजह से। 2015-16 में ये फिगर थोड़ा सा बढ़ा, करीब 470 के आसपास। 2016-17 में यानी कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर आप देखें 516 हो गया, यानी कि बढ़ गया। 2017-18 में 506, 2018-19 में करीब करीब 450। इस पर एक दलील ये है
कि हम जब जंगलों को काट कर उसमें बस गए तो जानवर तो आएंगे ही, ये उनकी जमीन है ना, नुकसान भी होगा, लेकिन हां इंसान की जान जरूरी है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जंगलों को हमने गांव शहर बनाने के लिए काटा है। इंसान और जंगली जानवरों के बीच टकराव एक ऐसा मुद्दा है जिसका हल ढूंढने में सब लगे हुए, पर खैर फिलहाल क्या हो सकता है खासकर हाथियों को गांव से दूर रखने के लिए, इस पर कई वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च हो भी रहे हैं। और एक हल ये खोजा गया है कि गांव के आसपास मधुमक्खी के छत्ते लगा दिए जाएं और इसे बी फेंसिंग कहा जाता है, मतलब फेंस लगाने के बजाय, कटीला तार लगाने के बजाय आप मधुमक्खी के छत्ते लगा दीजिए पूरे गांव के किनारे किनारे, यानी मधुमक्खियों की बाड़। दरअसल हाथी मधुमक्खियों से बचता है क्योंकि ये उसकी सूंड में और आंखों में काट लेती है। ये समझते हुए साल 2021 में खाली जो खादी और ग्राम उद्योग है, उन्होंने एक खास प्रोजेक्ट के तहत कर्नाटक के एक गांव में चार जगहों पर यह प्रयोग किया और इसको कहा गया है प्रोजेक्ट रीहैब, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, REHAB, रीहैब, यह शुरू किया गया। इसके नतीजे के आधार पर देश की अन्य जगहों पर भी ये प्रयोग किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश वन विभाग ने छत्तीसगढ़ से लगे इलाकों में जंगली हाथियों को रोकने के लिए इसी बी फेंसिंग का प्रयोग किया है और ये रणनीति अब तैयार की गई। देखिए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश वन विभाग कुछ यूं रीवा और आसपास के इलाके में जंगल से सटे गांव में मधुमक्खियों के शहद वाले डिब्बे बंटवाने की तैयारी में है। इन्हें उन इलाकों में रखा जाएगा जहां से हाथी इंसानी बसाहट में घुस सकते हैं। फिलहाल विंध्य और महाकौशल में 66 जंगली हाथियों का झुंड घूम रहा है। ये एक SOP जारी किया गया है जो उनको करना चाहिए फील्ड में, फॉरेस्ट वालों को भी, और उसमें आप देखे होंगे तो उसमें सबके दायित्व निर्धारित है, मतलब जो प्रशासन को क्या करना है, पुलिस को क्या करना है, वेटरनरी वालों को क्या करना है। बीज जब हमला करती है ना तो किसी के भी मतलब यानी वो कैन बी फेटल एनकाउंटर, तो वो मतलब कई मतलब इस कारण से वो करती है, जब वो बॉम्बिंग होती है ना उसकी आवाज आती है तो वो काटती है, तो उस चक्कर में जो है मतलब उसे अवॉइड करती है। हाल के दिनों में हाथियों के हमले में 26 लोगों की मौत की खबर आई है, वहीं कई मामले शिकारियों की बेरहमी के भी सामने आए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों के लिए विख्यात है, लेकिन कुछ सालों से जंगली हाथियों का भी यहां बसेरा है। यहीं के पनपथा बफर परिक्षेत्र में एक जंगली हाथी को न सिर्फ जहर देकर मारने का आरोप है बल्कि उसे बेरहमी से जला भी दिया गया। महीने भर बाद अब वन विभाग जाँच की बात कह रहा है। कुछ लोग बताए कि आज से कहते हैं कि जला करके उसको खत्म कर दिए, फिर हम लोग आए तो गाड़ी के निशाना पाया, वहाँ माने आग का राख जो होता है वो धूल मिला, वहाँ पर गाड़ी थी। इसकी पहले हम पुष्टि कराएंगे जांच दल एक भेजकर, और इसकी फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड द्वारा एक सर्च और वो पूरी जानकारी इकट्ठी की जाएगी। यदि ऐसी कोई घटना हुई है तो विधिवत सैंपल कलेक्ट करके और फिर उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी, और इसमें जो भी दोषी होंगे, अगर ऐसी घटना पाई जाती है और इसमें कोई दोषी सम्मिलित पाए जाते हैं तो फिर जो हमारी विधि अनुरूप जो कार्रवाई है, लीगल कार्रवाई, वो की जाएगी। बहरहाल हाथियों और इंसान का संघर्ष कम हो इसके लिए मधुमक्खियों के अलावा ट्रेंच यानी खाई बनाने का भी फैसला लिया गया है। बिजली की गैर घातक फेंसिंग, हाथी मित्र लोगों से उनसे दूर रहने की गुजारिश करेंगे, पटाखे फोड़कर उन्हें भगाने की कोशिश जैसे उपाय भी किए जाएंगे। हाथी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है, सो उसके सामने उसे बोल्ड बनना बेकार है। बेहतर है इन बेजबानों को अपने घर में रहने दें। इंसानों को चाहिए कि वो जंगल में अपना घर ले जाने से बचे, और अगर लड़ाई करनी ही है तो इंसान से बेहतर लड़ाई मधुमक्खी कर सकती है। रीवा से अपने सहयोगी जावेद, शहडोल से विनय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है, जो आज खत्म हुई है, उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला
अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर के क्या? और खबरों की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। दो दिवसीय बैठक ये खत्म हुई और इसमें और जो तमाम चीजें की भारतीय जनता पार्टी में, इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज की, और वो ये कि जेपी नड्डा जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको कुछ समय और के लिए एक एक्सटेंशन, टर्म में एक्सटेंशन मिल गया है। 2024 का चुनाव उनके नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी। भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। और इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। नमस्कार।